हेलो दोस्तों, पवन पवार फोटोग्राफी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि लाइटरूम में आप बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का फोटोग्राफ जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं और इस बैकग्राउंड को ग्रीन से ब्लू की तरह हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली बहुत आसान सा काम आपको करना है दोस्तों, कि यहाँ आप सबसे पहले अपने पिक्चर में बेसिक करेक्शन करेंगे। लाइक यहाँ पर हम लोग कलर्स को, हाईलाइट शेडोज़ को सेट करेंगे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा काम जो भी हमें यहाँ पर करना है हम वो पहले कर लें। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं जो लाइटरूम से रिलेटेड हम लोगों ने बनाए हैं वो आप देख लें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर फटाफट फटाफट वो काम कर रहा हूँ जो मुझे इस पिक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ वो बेसिकली जो मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट लगती है मैं वो कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो हमारे इसके पहले हम लोगों ने 5 से 6 पार्ट लाइटरूम के लिए बनाए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को बताया है कि आप इसको कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये जो मेरा मेन या बेसिक काम था वो कर लिया है। अब हम लोग हमारा मेन काम करने वाले हैं कि हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करना है। तो इसके लिए हमें दोस्तों सबसे लास्ट पैनल जो हमारा कैमरा कैलिब्रेशन होता है यहाँ आना होता है। यहाँ पर आप कोई भी कलर किस तरह से चाहते हो, दिखाना चाहते हो, उसके ऊपर काम होता है। तो जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ग्रीन है वो ब्लू दिखे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और हमारा जो ग्रीन प्राइमरी कलर है उसको हम लोग थोड़ा सा स्विच करके एक्वा की तरफ, यहाँ कहें कि वाटर एक्वा जो होता है उसकी तरफ चेंज कर देंगे और इसका सेचुरेशन हम लोग बढ़ा देंगे। इससे एक थोड़ा सा ग्रीनी एक्वा ग्रीनी कलर हमें मिलेगा। साथ ही हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लू है उसको भी बढ़ा देंगे, जिससे हमारा पिक्चर का ग्रीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है दोस्तों। फिर हम लोग आएंगे अपने ह्यू पैनल में। ह्यू पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन का जो कलर है वो एक्वा की तरफ स्विच करना है और एक्वा का जो कलर है उसको ब्लू की तरफ स्विच करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ग्रीन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ब्लू को आप थोड़ा सा लाइट या डार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रीन के साथ थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ा दें और लुमिनेंस में आके आप इसको लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा काम अगर आप करेंगे तो आप बैकग्राउंड को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फोटोग्राफ को जिसमें ग्रीनरी है या ग्रीन मेन कलर है तो उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पिक्चर में थोड़ा सा फेस पे वेरिएशन आया है तो आपको उसको मैनेज करने के लिए यहाँ आपने ह्यू पर सेचुरेशन पर आना है। ऑरेंज का सेचुरेशन आप कम कर दें, देन लुमिनेंस में आके हल्का सा लुमिनेंस बढ़ा दें और अगर आपको लगता है फिर भी टोन थोड़ा सा चेंज है तो ह्यू में आकर आप ऑरेंज के टोन के साथ थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको परफेक्ट टोन मिल जाएगा। तो आप अपने इस फोटोग्राफ को जो कुछ इस टाइप से था उसको इस तरह से कुछ ही मिनट, या यूँ कहें कि अगर आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ों समझ जाते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये ट्यूटोरियल आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम कहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, देन साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।